कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर का मतलब ये होगा कि दीज आर थ्री पॉइंट्स, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है और ये हमारे पास सी पॉइंट है। तो हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, ए बी आएगा अंडर रूट सेवन माइनस थ्री का स्क्वायर, सेवन माइनस फोर का स्क्वायर, सेवन माइनस थ्री होता है फोर, फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन, सेवन माइनस फोर होता है थ्री, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, सिक्सटीन नाइन ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट फाइव। फिर हम निकालेंगे बी सी, बी सी इलेवन माइनस सेवन का स्क्वायर, टेन माइनस सेवन का स्क्वायर, इलेवन माइनस सेवन फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, टेन माइनस सेवन थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव, उसका अंडर रूट फाइव। फिर हमारे पास आएगा ए सी, ए सी क्या होगा, इलेवन माइनस थ्री का स्क्वायर एंड टेन माइनस फोर का स्क्वायर। इलेवन माइनस थ्री क्या होता है? एट का स्क्वायर। स्क्वायर कितना होता है? सिक्सटी फोर। टेन माइनस फोर सिक्स, थर्टी सिक्स कितना हो गया? हंड्रेड टेन। बताओ सर, नींद पूरी नहीं आ रही है, आउट ऑफ डिटाई कर दूंगा तुम्हारी। सर है, नींद आ रही है तुम्हें? फाइव प्लस फाइव क्या होगा? यस सर, यस सर है। फाइव प्लस फाइव टेन। कोलिनियर है नहीं है? यस सर है सर है। ये सो रहे हैं शफी साहब, आज आने की तारीख पड़ी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हियर ए बी प्लस बी सी, ठीक है, फाइव प्लस फाइव टेन इज इक्वल्स टू ए सी, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। सम ऑफ एनी टू बेटे अगर थर्ड के इक्वल होगा तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट्स इट। यस और नो? आगे यस सर, यस सर, बस इतना सही करना था। चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से फटाफट मारते दौड़ते ले लेते हैं। डू द पॉइंट्स दिस 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 वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, ये तो आपने किया है, स्क्वायर इसका तो वर्टिसेस स्क्वायर भी कर सकते हैं, रोम्बस स्क्वायर भी कर सकते हैं। फाइंड दिस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, वंडरफुल, प्रूव दैट इज ए, अच्छा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। यस सर, स्लिप जा रहे हो, जाना पड़ेगा। चलो ये वाला करते हैं, यस ये क्वेश्चन सही लग रहा है, ये वाला करते हैं। गुड, एक क्वेश्चन जल्दी से बहुत तेजी से। यस फाइंड के द ट्राइंगल फॉर्म बाय ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। चलो जल्दी से करो फटाफट। सेकंड ए आपके पास है, असाइनमेंट मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोशिश करिएगा जितने क्वेश्चंस आप कर सकें, तो नेक्स्ट क्लास में जब कभी जरूरत होगी तो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास को मैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। कल चैप्टर थ्री की लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर चल रहा है आपसे पहले वाले बैच में, उसकी क्लास होगी 3 बजे। वर्ड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किसी भी बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम करना है तो उसमें कर सकता है। हाँ जी सर, हो गया। देखो सबके सब बच्चे आपसे कह रहे हैं फाइंड के द ट्राइंगल फॉर्म बाय ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। यहाँ पे ये जो उसने कहा है राइट एंगल एट बी, इसका कोई मीनिंग है? मीनिंग क्या है सर कि ये हमारे पास अगर फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी आप सब बच्चों के लिए। ये मेरे पास बी है, बी पे 90 है, ये ए है, ये सी है,
तो आपसे कह रहा है ए दिया हुआ है 8 माइनस 10 और बी दिया हुआ है 7 माइनस 3 और सी दिया हुआ है 0 के और आपसे कह रहा है सर बी एंगल तो बताओ क्या होगा इस राइट एंगल तो सीधी सी बात है -3 - k² ये बस होगा तो क्या होगा सर 8 - 0 = 64 प्लस ध्यान से देख लीजिए ये -10 - k का मतलब अगर माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों ही प्लस के हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर है माइनस कॉमन लेने से पॉजिटिव तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा कभी कंफ्यूज हो जाओ 10² = 100 k² - +20k ये चीज सब बच्चे समझ लीजिए -10 - k का होल स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ये सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस कॉमन लोगे तो 10 भी प्लस का हो जाएगा k भी प्लस का हो जाएगा लेकिन क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो बताओ माइनस का स्क्वायर क्या होगा बच्चे क्या हो जाएगा प्लस के का बेटे इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत तो अगर दोनों साइन सेम है दोनों साइन चाहे प्लस के हो दोनों साइन चाहे माइनस के हो तो वो हमेशा प्लस वाली ही आइडेंटिटी लगेगी एक साइन एक है दूसरा है मतलब अपोजिट साइन है तब वहाँ ए माइनस बी लगेगा तो ये हमेशा ध्यान रखना नहीं तो इस तरह से माइनस कॉमन लेके भी अपने आप को देख सकते हो कि आंसर क्या आना है और, हो गया। चलो भाई ये हो गया हमारे पास अब हमारे पास दूसरा क्या है 8 - 7 = 1 और -10 + 3 = 7 और 7 - 0 = 7 और अगेन -3 - k² तो क्या आ गया सर 9 + k² + 6k चेक करो क्या क्या कैंसिल कर सकते हो ठीक है भाई k स्क्वायर से तो k स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो 49 + 49 ठीक है 98 + 99 और यहाँ हमारे पास कितना है 100 तो कितना बचा सर 1 है ना भाई और 64 + 1 = 65 आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना 20k इधर लाओगे 6 इधर है हमारे पास तो 6k - 20k - k - 14k अभी हमारे पास 9 भी बचा हुआ था क्या बचा हुआ था 9 ये वाला 9 तो अगर इसको 9 को इधर लाएंगे तो 65 - आ जाएगा हमने क्या किया है 49 - 49 = 98 ये आ गया 1 - 65 - 9 कितना होता है जी 56 और इधर क्या है -4 हमारा आंसर कितना था -4 समझ में आया यस सर क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि पता नहीं है नहीं बस स्टार्ट कर दो उसी पे बेस्ड है तो ऑल द वेरी बेस्ट असाइनमेंट आपके ग्रुप में है तो 2-4-10 क्वेश्चन कर लेना सैटरडे संडे मैं अवेलेबल रहूंगा एक्स्ट्रा क्लास के लिए सेकंड बैच में क्लास होगी चैप्टर 3 की कल 3 बजे इंशाल्लाह तो अगर आप लोग क्लास चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें जिस बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं चलिए जी आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और अगर सबका हुआ हुआ होगा तो फिर कुछ और करेंगे सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करा दीजिए ठीक है एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 बाद में रिवाइज करेंगे चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे ठीक है जी ओके सर ओके सर ऑल द बेस्ट अस्सलाम वालेकुम सर